हाँ हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और उसमें बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की, टोलुइन सॉल्यूशन की और क्या बेंडेक्ट सॉल्यूशन की, फेलिंग सॉल्यूशन की और K2Cr2CO1 से कैसे ऑक्सीडेशन होता है, KMnO4 से कैसे ऑक्सीडेशन होता है, SnO3 से कैसे ऑक्सीडेशन होता है और हमारे पास क्या है बचा H2SO4 से कैसे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या कीटोन, उसमें हमने बात की थी हेलोफॉर्म रिएक्शन की और पोफेफ्रूल की। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, इसमें बात करेंगे हम कैनिजारो रिएक्शन। देखो भाई, पहले बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है, फिर उसकी जनरल रिएक्शन की बात करेंगे, फिर उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की। तो देखो मैंने लिख रखा है, दिस इज द सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विच इज अंडरगोन बाई एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट एक्वस और क्या एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वैन एन एल्को एल्कोहल एंड साल्ट ऑफ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रोड्यूस। ये कह रहा है जब मेरे पास वो मैं एल्डिहाइड लूंगा जिसके पास उसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं कंसनट्रेटेड एक्वस और क्या एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH के साथ। तो हमें मिलेगा, एक तो एल्कोहल मिलेगा और एक हमें मिलेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मैंने यहाँ दो फॉर्मेलिटी लिए हैं, इसकी रिएक्शन कराई है मैंने किसके साथ, NaOH के साथ। मेरे पास एक तो एल्कोहल मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। यहीं भी देख लो, यहाँ मैंने दो बेंजाल्डिहाइड लिए हैं क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसी से जुड़ी हुई है, नेक्स्ट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होंगी तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। किसके साथ रिएक्शन कराई, NaOH के साथ रिएक्शन कराई, तो एक तो एल्कोहल बना और एक क्या बना साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लेकिन बना कैसे वो देखो। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि कैसे क्या हुआ। देखो मुझे पता है OH माइनस है, बेस की तरह बिहेव करता है लेकिन इसके पास एसिटिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करेगा। मेरे पास ये स्टेप आएगा, जब ये पाई बॉन्ड वापस आएगा तो OH तो ट्रांसफर हो नहीं सकता, तो ट्रांसफर बचे क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर होंगे और पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करेंगे। तो एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है देखो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर करने के बाद, और एक हमारे पास क्या बन रहा है एल्कोक्साइड आयन बन रहा है। ठीक है, बेसिक कंडीशन ले रखी है मैंने, बेसिक कंडीशन में एसिड रह नहीं सकता तो एसिड क्या करेगा एच प्लस का लॉस करेगा, तो जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसका लॉस करेगा एच प्लस का लॉस करेगा, किसको देगा जो एल्कोक्साइड आयन है उसको देगा। तो एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, NA कहाँ से आया, NA यहाँ से आया, NaOH टूटेगा, NA पॉजिटिव OH नेगेटिव में वहाँ से आया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो प्रोटॉन ट्रांसफर है या हाइड्राइड ट्रांसफर है ये स्टेप मस्ट है, हमेशा होगा ये, जब भी मैं कैनिजारो रिएक्शन की बात करूँगा तो प्रोटॉन ट्रांसफर या क्या हाइड्राइड ट्रांसफर हमेशा होगा। देखो दोबारा देख लो इसको, मुझे पता है एल्डिहाइड है, इसके पास एसिटिक हाइड्रोजन नहीं है तो बेस क्या करेगा हाइड्रोजन तो निकाल नहीं सकता, किसकी तरह व्यू करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यू करेगा, यहाँ से अटैक करेगा पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। अब मुझे पता है जब ये वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास एक एच ये एक एच ये डिस्प्लेस हो सकते हैं या OH, OH तो होगा नहीं क्योंकि OH तो जुड़ा है, तो निकलेंगे क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ेगी जब अपने इलेक्ट्रॉन लेके इससे तो ये नेगेटिव। अब ये मतलब प्रोटोन ट्रांसफर का स्टेप है ना हमारे पास। अब देखो जो हमारे पास ये है ये तो एल्कोक्साइड आयन बनाएगा और ये क्या साल्ट ऑफ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब मुझे पता है कि जब बेसिक कंडीशन ले रखी है तो जो एसिड है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अपने एच प्लस का क्या करेगा लॉस करेगा, एच प्लस किसको देगा एल्कोक्साइड आयन को देगा, और हमारे पास एल्कोहल और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो पहला स्टेप क्या है न्यूक्लियोफिलिक अटैक का है, पहला स्टेप हमारे पास किसका है न्यूक्लियोफिलिक अटैक का है। तो अगर मैं यहाँ इसके रेट की बात करना चाहूँ, रेट की बात भी कर सकते हैं, तो जो हमारे पास ये स्टेप है ये होता है स्लो स्टेप। तो देखो एक तो न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है और दो क्या कार्बोनाइल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी HCHO की पावर स्क्वेयर और क्या OH नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं किसकी क्रॉस कैनिजारो की। देखो भाई क्रॉस कैनिजारो में क्या लिख रखा है मैंने, क्रॉस कैनिजारो में लिख रखा है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कैन आल्सो टेक प्लेस बिटवीन क्या टू डिफरेंट एल्डिहाइड
नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये जो क्रॉस करने जा रहे रिएक्शन है उन उन रिएक्शन उन कंपाउंड के बीच में होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, और कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होंगे हमारे पास डिफरेंट होंगे। देखो भाई जब मैंने रिएक्टिविटी की बात की थी कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो फॉर्मलडिहाइड की ज़्यादा रिएक्टिविटी किससे, बेंजाइलडिहाइड से। तो जो OH माइनस अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा, HCHO पे करेगा, और जिस पे अटैक करा था उसका क्या बन रहा है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका क्या बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। देखो पीछे बात की हमने भाई कि जिस पे अटैक किया ओ एच माइनस पे, ओ एच माइनस ने जिस पे अटैक किया उसका क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका क्या बना, साल्ट। और जिस पे जिसने प्रोटॉन ट्रांसफर किया दूसरे को उसका क्या बना, एल्कोहल। तो देखो मेरे पास जिस पे अटैक करेगा उसका क्या बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो ये हमारे पास कहने जा रहा रिएक्शन थी। ट्रिक भी है प्रोडक्ट बनाने की, जिस पे OH माइनस अटैक करा उसका क्या बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में रिडक्शन ऑफ टोलेंस रिएजेंट। ये पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ टोलेंस रिएजेंट होता क्या है। देखो पहले मैंने इसके बारे में लिख रखा है कि टोलेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये कह रखा है टोलेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विच कंटेन सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कंटेन करेगा। ऑन एडिंग एन एल्डिहाइड टू दिस रिएजेंट, अगर मैं ऐड करता हूँ एल्डिहाइड को दिस रिएजेंट में, द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में, एंड विच इज अमोनिकल सोल्यूशन, और क्या होगा वो, अमोनिकल सोल्यूशन फॉर्म द अमोनिया अमोनियम साल्ट ऑफ एसिड, और क्या बनाएगा, अमोनियम साल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। देखो भाई मैंने एल्डिहाइड लिया, मैंने क्या लिया, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स लिया, मुझे पता है ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, अमोनिया साल्ट ऑफ क्या, अमोनियम साल्ट बनाएगा या कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। टू ए जी निकलेंगे और क्या, अमोनिया निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो जो मेरे पास ए जी निकल रहा है उसका कलर कैसा होगा, सिल्वर मिरर कलर होगा। तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कि जो कलर आएगा, जो पीपीटी आएंगी वो सिल्वर मिरर जैसी आएंगी, तो उसको क्या बोल देंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देंगे। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि हमारे पास जब मैं एल्डिहाइड लेता हूँ उसके साथ क्या लेता हूँ, हमारे पास सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, तो क्या, तो एक तो अमोनियम साल्ट बनता है, एक सिल्वर मिरर की पीपीटी बनती है, अमोनिया बाहर जाता है, और क्या बाहर जाता है, वाटर मोलिकुल जाता है। और ध्यान रखना जब भी मैं रिडक्शन की बात करूँगा टोलेंस रिएजेंट से, किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड के, सिर्फ एल्डिहाइड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं और किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं करते। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास टोलेंस रिएजेंट। देखो भाई अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक सॉल्यूशन। तो पहले मैंने बात करके फेलिंग सॉल्यूशन की, फिर बात करूंगा बेनेडिक सॉल्यूशन की। देखो भाई मैंने लिख रखा है फेलिंग सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग इक्विवेलेंट क्वांटिटीज ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कह लूंगा एक तो कॉपर सल्फेट लूंगा, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये कह रहा है कि एक तो कॉपर सल्फेट के साथ क्या कह लूंगा मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और उसको बोलते हैं रोसले साल्ट। देखो भाई हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता क्या है, अगर मैं बात करूँ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की, तो हमारे पास ये होता है, सोडियम लगा दिया, देखो एच ओ एच, एच ओ एच, और क्या सी डबल बॉन्ड ओ ओ की, ये होता हमारे पास सोडियम पोटेशियम और क्या टार्ट्रेट। ठीक है भाई, तो अगर हमारे पास बात करें किसकी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की, तो हमें पता लग गया क्या होता है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये होता है। तो जब भी हम बात करेंगे फैली सॉल्यूशन की, तो क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और क्या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रोसले साल्ट बोलेंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं बेनेडिक सॉल्यूशन की। बेनेडिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, लिख रखा है बेनेडिक सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद क्या, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड क्या, सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या होता है, देखो सोडियम सिट्रेट हमारे पास ये होता है, ये होता सोडियम सिट्रेट, ये होता है हमारे पास सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट हमारे पास ये होता है, सोडियम कार्बोनेट आपको पता है N2CO3 होता है,
तो इनका कॉपर सल्फेट के साथ क्या लेंगे, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी क्या सोडियम सीट्रेट, ये तो क्या है सोडियम सीट्रेट। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है लिख दे रहे लिख देना या नाम लिख देना, या स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो एल डी आर लिया मैंने, यहाँ क्या लिया आयंस लिए किसके, क्यूप्रिक आयंस लिए प्लस एन ए लिया प्लस 5 OH लिया, तो क्या बना सोडियम साल्ट बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, प्लस क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर गए जो हमें मिलेंगे, चाहे फैलिंग सॉल्यूशन हो चाहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, हमारे पास जो मिलेंगे जो ऑक्साइड है वो क्या बनेगा रेड पीपीटी बनेगा, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया। अगर रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है तो एल्डिहाइड है, अगर रेड प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा तो क्या है हमारे पास एल्डिहाइड नहीं है। मैंने लिख भी रखा है फैलिंग और बेनेडिक सॉल्यूशन ब्लू कलर ऑफ क्या क्यूप्रिक, ब्लू कलर से किस में जाएंगे रेड प्रेसिपिटेट में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कॉपर सल्फेट का कैसा सॉल्यूशन होता है, रेड ब्लू कलर का, तो ब्लू से किस में जा रहे हैं रेड प्रेसिपिटेट में। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास थे रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन में तो हम क्या लेंगे कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और क्या लेंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेंगे, उसको क्या बोलते हैं रोचले साल्ट बोलते हैं। और बेनेडिक सॉल्यूशन में क्या लेंगे कॉपर सल्फेट के साथ लेंगे क्या सोडियम कार्बोनेट और क्या सोडियम सीट्रेट। ठीक है भाई, अब देखो आगे लास्ट टॉपिक है इसका ऑक्सीडेशन का। देखो भाई मैंने लिख रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय K2Cr2O7H2SO4 या H2Cr4। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। देखो भाई एल्डिहाइड लिया तो मेरे पास क्या बना एसिड बन रहा है, कैसे बना वो देखो मैंने लिख भी रखा है मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन विद क्या डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर नॉट वेल एस्टेब्लिश। ये कह रहा है कि जो मैकेनिज्म है हर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन के डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो वेल एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन हम जब बात करेंगे किसकी क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कैसे करता है। देखो पहले मेरे पास एल्डिहाइड होगा उसमें वाटर अटैक करता है, पहले वाटर अटैक करेगा मतलब एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो वाटर ने अटैक किया तो हमारे पास डायोल की फॉर्मेशन होगी। लोन पेयर है अटैक करेगा, देखो लोन पेयर अटैक करेगा पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना प्रोटॉन का, ट्रांसफर करके क्या बना देगा डायोल बना देगा। अब मेरे पास डायोल है और मैंने क्या ले लिया क्रोमिक एसिड ले लिया, अब मेरे पास डायोल और क्रोमिक एसिड है क्या करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के यहाँ से एस्टर की क्रोमिक एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा कहाँ से यहाँ से बन गया क्रोमिक एस्टर। अब मेरे पास फिर से दोबारा जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था वो अटैक करेगा लोन पेयर से हाइड्रोजन पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे CrO3H क्या बाहर जाएगा, तो H देखे अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज, वाटर क्या कर रहा है H प्लस ले रहा था पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा। सिंपल सा है, पहले एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड पे क्या अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा डायोल की फॉर्मेशन करेगा, कैसे करेगा मुझे पता है ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा क्या बनेगा RCHO- और वाटर ने अटैक किया ना इस पे ये पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा प्रोटोन का ट्रांसफर करेगा तो एक OH ये तो डायोल की फॉर्मेशन हो गई। अब मुझे डायोल की फॉर्मेशन हो गई जब मैं रिएक्शन करूँगा क्रोमिक एसिड के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहाँ से एस्टर की फॉर्मेशन, ध्यान है आप लोगों को अल्कोहल अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ एसिड के साथ तो एस्टर की फॉर्मेशन होती थी, यह क्या बनेगा क्रोमेट एस्टर बनेगा, वाटर बाहर जाएगा जो वाटर बाहर निकला था क्या करेगा अपने प्रोटॉन को लेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा तो एक तो एसिड बन जाएगा एक अनायन बन जाएगा एक क्या कैटायन बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना मोस्टली फोर्थ सेक्शन हो गया, इसमें एक बचा है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन तो मैं उसकी अलग वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 4, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।